हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FM इलेक्ट्रिकल्स में। तो आज का मेरा टॉपिक है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड वन टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, किसको बोलते हैं। वन टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मेरे घर में वन टन का एसी लगा हुआ है या डेढ़ टन का एसी लगा हुआ है। और जब भी हम मार्केट में एसी के केस में एसी खरीदने जाते हैं, तो जो दुकानदार है वो पूछता है आपको कितने टन का चाहिए, वन टन का चाहिए, डेढ़ टन का चाहिए। तो आज हम समझते हैं वन टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो एक ये मेरा रूम है और उसमें 1000 वन टन का आइस रख दिए। अब क्या करेगा, जो भी रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ये धीरे धीरे मेल्ट होगा और कूलिंग इफेक्ट हमको मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जब जो आइस है सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो वहां पे लेटेंट हीट प्रोड्यूस होता है। तो हम देखते हैं वन इसका कूलिंग इफेक्ट देते हैं, कितना कूलिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस किया। तो वन टन जो मेरा आइस है वो 24 आवर्स में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया या कितना हीट को रिमूव किया रूम से, तो उसी को बोलते हैं हम वन टन रेफ्रिजरेशन। तो जो मेरा वन टन का आइस है ये हम इसको रूम में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हम क्या एसी लगाते हैं। जो वन टन का एसी है वो सेम वर्क करता है वन टन का आइस के बराबर। ये जितना मेल्ट होकर जितना हीट को रिमूव करेगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सेम वर्क इतना ही जो कूलिंग इफेक्ट जो वन टन का एसी है जो रूम में लगाए हुए हैं वो इतना ही इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और जो ये हीट को रिमूव करेगा एटमोस्फेयर में और यहां पे हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो जो मेरा लेटेंट हीट होता है फॉर आइस के लिए वो होता है 335 किलो जूल पर केजी। एक केजी आइस को मेल्ट करने के लिए हमको 335 किलो जूल सप्लाई करना पड़ता है आइस को, देन वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। तो वन केजी आइस को मेल्ट करने के लिए हमको 1 × 335 किलो जूल हीट ट्रांसफर हीट देना पड़ेगा हमको। वही अगर हमको वन टन के लिए क्या करेंगे, वन टन में 1000 kg × 335 किलो जूल, इसको केजी को मिटा देते हैं, ऑफ 24 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, 335 किलो जूल पर केजी। जो मेरा वन टन का जो हम एसी लगाए हैं वो क्या करेगा, 24 आवर्स में 24 आवर्स में इतना जो मेरा जो हीट है वो रूम से बाहर बिक देगा एटमॉस्फेयर में। वही अगर हम 1 आवर्स में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 300 इसमें हम डिवाइड कर देंगे 24 से, तो ये लगभग 1 आवर्स में निकल गया। वही मिनट में हम निकालना चाहते हैं 1 मिनट, तो 335000 × 24 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा
मिनट में निकल जाएगा, मतलब एक मिनट में 210 किलो जूल पर केजी जो मेरा हीट है वो मेरा वन टन का एसी बाहर रिमूव कर देगा। ये हमको पता होगा किलो जूल को अगर हम सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो वो मेरा क्या बनता है किलो वाट। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, वन सेकेंड के लिए निकालेंगे तो 2110 भागे 60 किलो जूल पर सेकेंड, तो कितना लगभग वही 3.5 किलो वाट। मतलब एक सेकेंड में जो मेरा ये वन टन का एसी है वो 3.5 किलो वाट हीट एटमोस्फेयर में ट्रांसफर कर देगा, रिमूव कर देगा।